पीएम मोदी के पकौड़ा बयान पर राजनीति जारी है। अब इस पकौड़ा पॉलिटिक्स में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कूद पड़ी हैं। विपक्ष के वार से घिरी बीजेपी सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अगर पीएम ने ऐसा बोल भी दिया तो इसमें बुराई क्या है? पकौड़ा बनाना एक कला है और इसे बनाने वाले ही आगे चलकर रेस्टोरेंट खोलते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गुंड महासभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पकौड़ा पॉलिटिक्स में कूदने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने मोदी सरकार का बचाव करते हुए पकौड़ा बनाने को एक स्किल बता दिया। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारा अनुभव है कि पकौड़े तलना भी कौशल विकास का हुनर है। उन्होंने कहा कि पकौड़ा तलने वाले आगे चलकर खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोई काम छोटा नहीं है। छोटे छोटे काम करके ही देश के कई उद्योगपतियों विदेशों तक जा पहुँचे हैं। लोगों को समझाने के लिए आनंदीबेन ने अंबानी और अडानी का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी ने भी छोटे काम से ही शुरुआत की थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर कोई शख्स हर रोज पकौड़ा बेचकर 200 रुपए कमाता है तो क्या उसे रोजगार माना नहीं जाएगा। इसी बयान को लेकर पीएम मोदी विपक्ष के वार से घिरे हुए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।